बट आई एम चेकिंग आउट द करिकुलम व्हिच इज व्हिच चैप्टर्स आर गोइंग टू गेट कैंसर्ड एंड ऑल. हाँ देखना तो पड़ेगा ना. मैंने अभी देखा कहाँ गया तेरा साइंस का. बेटा ऑनलाइन वाला सुनाई दे रहा है? यस मैम. ओके चैप्टर नंबर 09 मार्क्स का आएगा. फिर चैप्टर नंबर मैम आवाज थोड़ी लो आ रही है. अभी आ रही है? यस मैम. मैम ये आप क्या लिखवा रहे हो? तुम लिखो मैं बाद में समझाती हूँ. मैम स्टार्टिंग से बोलो ना. हाँ चैप्टर नंबर 29 मार्क. चैप्टर नंबर 5 and 6 18 मार्क्स. 18 मार्क्स. चैप्टर नंबर 8 and 9 13 मार्क्स. अभी लिखो टर्म टू. राइट टर्म टू. चैप्टर नंबर 3 and 4 18 मार्क्स. चैप्टर नंबर 13 हम लोग 13 ही कर रहे हैं ना अभी. हाँ Yes. 8 marks. 0, 8, 8 marks. Chapter number 10 and 11. 1, 4, 14 marks. क्या हुआ टोटल? 80 होगा. दोनों में 40, 40 देख लो. हो गया ना 80. ओके इसका मतलब है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में से आपको 40-40 मार्क्स का पेपर आएगा. टर्म 1 में आएगा एमसीक्यू. टर्म मतलब एमसीक्यू नहीं ऑब्जेक्टिव बेस होगा. टर्म 2 में होगा सब्जेक्टिव बेस. ठीक है अभी दूसरा बात बताती हूँ. अभी 80 मार्क्स का है पेपर तो 100 मार्क्स का होना चाहिए ना. तो 20 मार्क्स कहाँ गए? तो इंटरनल असेसमेंट में. टर्म 1 के इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क जो आपकी स्कूल की एक्टिविटीज वगैरह होगी और टर्म 2 के 10 मार्क. ठीक है दैट गोज अंडर इंटरनल असेसमेंट. अब बात करते हैं 13 चैप्टर की. बेटा 13 चैप्टर जरा टेक्स्ट बुक में से निकालो. मैम ये हाफ ईयरली का है क्या? बेटा हाफ ईयरली का है. 1 मिनट. क्या बोल रहे हो समझ ही नहीं आ रहा. मैम ये हाफ ईयरली का है या फिर एनुअल? बेटा ये जो लिखवाया ना मैंने वो टर्म का कोर्स लिखवाया पूरा मतलब फुल. टर्म 1 इज हाफ ईयरली. टर्म 2 इज उसका हाफ. ओके मैम. हाफ तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ना उसमें तुमको 2, 5, 6, 8, 9 ये चैप्टर्स है. फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है. 2, 5, 6, 8, 9 फर्स्ट चैप्टर इसके सिवा जो चैप्टर है वो डिलीटेड. और 3 मैम वो फर्स्ट टर्म में चैप्टर 2 के क्या मार्क्स बताए अपने? क्या हुआ फर्स्ट चैप्टर? ये सीबीएसई का मैं बोल रही हूँ गुजरात बोर्ड का नहीं बोल रही. ये एंटायरली सीबीएसई का जा रहा है. अंडरस्टूड? यस मैम. चलो अभी 13 चैप्टर निकाला उसमें जरा चेक करना. मैं टॉपिक बोलती जा रही हूँ उसको टिक करना. मम्मी को दे दो एक और पेंसिल. पेन नहीं चाहिए.
13.1 हेल्थ एंड फेलियर. अभी सीधा 13.2 में जाओ. कौन सा है? डिजीज कॉजेस नहीं है. 13.2 को कैंसिल करो. मैम 13.1 हेल्थ एंड लीड्स फेलियर टिक करना है. नहीं कर, 13.1 है, 13.2 को कैंसिल करो, 13.3 को टिक करो. मैम आप एक्टिविटी की बात कर रहे हो. अरे नहीं यार, आज ना सीबीएसई का एक सर्कुलर आया है बेटा, जिसमें आपकी कोर्स को डिडक्ट किया गया है, कोर्स रिडक्शन किया है. ओके मैम. तो नाइन्थ में जो पढ़ना है ना 13 चैप्टर में, मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ. मैम मींस जो आपने 13.2 कट किया वो मैं नहीं पढ़ना. नहीं, कट की हुई चीज कौन पढ़ेगा. इंफेक्शियस नॉन इंफेक्शियस हो गया. फिर 13.4 क्या है? नहीं है वो. हाँ एक मिनट ना रुक जाओ. इंफेक्शियस नॉन इंफेक्शियस देयर कॉजेस मैनिफेस्टेशन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स. ओके. फिर वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड देयर प्रिवेंशन. पल्स पोलियो प्रोग्राम प्रिंसिपल एंड प्रिवेंशन एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम. ये प्रिवेंशन आने वाला है, ट्रीटमेंट है, पल्स पोलियो प्रोग्राम करवाना पड़ेगा. ये वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनेशन पर ये सब ट्रीटमेंट कॉस्ट में ही चले जाते हैं. ये भी अजीब है ना, मतलब इंफेक्शियस नॉन इंफेक्शियस कॉजेज ऑफ डिसीज. हम अगर डिसीज एंड इट्स कॉजेज को डिलीट करते हैं तो कहां से पता चलेगा. छोड़ो हम पूरा चैप्टर ही कर लेते हैं, मतलब नहीं है. और वैसे भी हमने तो ये पार्ट खत्म भी कर लिया है, नीड्स ऑफ स्प्रेड भी खत्म कर दिया, हम तो ट्रीटमेंट में आ चुके हैं ना. थोड़ी ना तुरंत होमवर्क दिया. नहीं लेंगे, नहीं दिया मैडम. क्या ढूंढ के लाए? तुमको जानने का इच्छा नहीं है तो मैं क्या. इस बार ना 8 के बेसिस पे पास नहीं हो पाओ, क्योंकि 8 के बेसिस 8 में कैसे पास होते, मास प्रमोशन है ना. 9th में ऐसे पास नहीं हो पाओ. समझ लो हाँ, मैंने सिम्टम्स और साइंस के बारे में कुछ बताया था, नहीं बताया होगा. मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में बताया था, ठीक है. चलो मैं वो टेबल लिखवाया था कि वो फोटो आई थी क्या. नो मैम. नहीं मैम. नो मैम. नहीं मिली फोटो. कौन से ग्रुप में हो बेटा जी? मतलब ऑनलाइन ग्रुप में. ऑनलाइन लर्निंग. साक्षी मैम को फोन करना के जो आपको कल सोनिया मैम ने फोटो भेजी है वो भेजो. ठीक है मैम. ठीक है. ओके यस. चलो लिखो इंफेक्शियस डिजीज. मैम हमने कल डिजीज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल के बाद टाइप्स ऑफ लिखा था. हां हां मुझको पता है बेटा. इंफेक्शियस डिजीज I am today also sending you one file
यू कैन ऑलवेज नोट इट डाउन. हमको अभी करिकुलम में बताया है कि वायरस बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होते हैं, वो आपको बताना है. सो यू नीड टू डू दिस डिसीजेस. ओके मींस हाँ इन्फेक्शन डिसीज उसमें लिखो means of MEAN means of spread of मैम आपका वीडियो अटक गया स्टॉप हो गया. और मैम कल आपने वो होमवर्क दिया था ना 31 गार्डियंस, मैम उसमें एक अजीब टाइप का बैक्टीरिया होता है, वो उससे ना हम बीमार पड़ जाते हैं, फीवर आता है. नाम लाया? नहीं मैम मेरे को वो पता नहीं चला यार, आधा आधा काम करने का ऐसा. चलो मींस ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीज लिख दिया. यस ओके चलो अभी फर्स्ट लिखो एयरबॉल. AIR फ्रेंच में आर को एयर बोलते हैं. AIR एयरबॉल BORN ठीक है. डैश करो एयरबॉल लिख के डैश. कौन से डिसीजेस हो गए एयरबॉर्न से? लिखो टी कैपिटल टी एंड बी. कौन सा डिसीज होता है दीदी? ट्यूबरक्लोसिस. हाँ बेटा टी एंड टी कैपिटल टी एंड कैपिटल बी. बी फॉर बॉम्बे. कॉमा कॉमा कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी होती है ना, that is common cold. मैम वो गाड़िया से होता है. इसके बाद निमोनिया टी एन ई कॉमन करके लिखने का. मैम फिर से बोलो टी एन ई यू एम ओ हो जाता है ठीक है. तो जिस तरीके से स्प्रेड होते हैं, जैसे अभी मान लो कि मुझे अगर सर्दी खांसी होता एंड इफ आई वुड हैव बीन स्नीजिंग तो चांसेस है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्दी में ऐसा होता है ठीक है. नेक्स्ट कम्स वाटर बॉर्न डिसीज. मैम बॉर्न डिजीज या बर्न डिजीज? बी ओ आर एन बॉर्न वॉटर में जन्म लेने वाले डिजीज. एक ही मतलब एक हम लिख रहे हैं कॉलेरा सी एच ओ एल ई आर ए. पानी पीता है ना गंदा तो रिवर वाटर जनरली अफेक्ट्स. रिवर वाटर कभी हम मैम योर वॉइस इज लैगिंग. माय वॉइस इज कट फॉर दैट बेटा. नाउ इज इट फाइन? नो मैम स्टिल इट्स नो मैम. अभी ठीक है क्या? नो अभी तो बोलते बोलते चली गई.
अभी मैम अभी थोड़ी आ रही है। मैम वीडियो भी ब्लर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ वो तो मैं बाहर जाके अंदर आई इसलिए अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ ओके सो वॉटरफॉल में एज आई सेड रिवर होता है ना, रिवर बेटा, तो रिवर का जो पानी होता है वो पानी बेसिकली गंदा होता है, तो वन शुड नॉट बी ड्रिंकिंग रिवर वॉटर डायरेक्टली, या तो उसको प्योरीफाई करो, प्योरीफाई करने के बाद बॉइल करना है, या तो क्लोरिन डालो। Then comes sexually transmitted disease. Syphilis and AIDS. Syphilis, अच्छा मैं आई जस्ट गो असाइड का सिफिलिस एंड एड्स। हाँ दो अलग है ना बेटा, कॉमन नहीं है। फिजिकल कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी के तो ये डिसीजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू। मैम स्प्रेड अप या स्प्रेड ऑफ? स्प्रेड स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। ओके वेक्टर, VECTOR, वेक्टर। मैम स्प्रेड ऑफ डिसीज इज थ्रू वेक्टर, वेक्टर VECTOR। कौन सा होता है वेक्टर से? हाँ मलेरिया। कैसे तो बहुत है, मलेरिया है, डेंगू है, फिलेरियासिस है, फिर स्लीपिंग सिकनेस है, बहुत सारे। मैं भेजती हूँ ग्रुप में, वो लिख देना है। इसके नीचे ना जगह छोड़ दो, इतनी इतनी सी टेबल है, वेक्टर है, देखो मैं दिखा देती हूँ इतनी सी टेबल है, तो उसके लिए जगह छोड़ दो बेटा, इतनी सी टेबल के लिए जगह छोड़ दो। अच्छा अब ना जगह छोड़ने के बाद हेडिंग दो सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम SYMPTOMS, साइन SIGNS। मैम हाँ बेटा, मैम बोर्ड पे लिख दो ना। बोर्ड पे नहीं लिख सकते, नीचे पानी है। हाँ तुमको ऑफलाइन आना पड़ेगा देखने के लिए। अभी सिम्टम्स और साइन में पूरा डिक्टेट ही करवाने वाली हूँ, बोर्ड पे नहीं जाएगा। मैम क्योंकि बीच बीच में आवाज चली जाती है इसलिए रह जाता है।
वो रहेगा इसके अंदर अभी टेबल और टेबल बनाना है। पहले मेरे को दोनों के बीच में डिफरेंस तो बताओ, मतलब डॉक्टर आपको जब बोलते हैं ना कि यू हैव अ साइन ऑफ दिस डिसीज, यू हैव अ सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, दोनों के बीच का फर्क क्या होता है? निशानी और साइन मींस मैम मतलब ये डिजीज आपको जल्दी होने वाला है। मैं दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रही हूँ, दोनों का इंफेरेंस नहीं पूछ रही बेटा, कंफ्यूजन नहीं पूछ रही कि डॉक्टर व्हाट डस ही मींस। मैम साइन मतलब निशान और ओके हाँ साइन जो हम करके निकल जाते हाँ। अब ऑनलाइन वाले बोलो बेटा, चलो क्या बोल रहे थे? मैम साइन मतलब निशानी और सिम्टम्स मतलब उसके इफेक्ट्स। हाँ तो निशानी और इफेक्ट में फर्क हो क्या, मतलब फर्क क्या होगा? देखो हाँ it's not sure it's probably or probably not, frankly it is okay, you reverted the thing. Symptoms is मानो के if someone is having cancer, right? So you don't know, मान लो के if it's a pancreatic cancer, then what will happen? Your digestion will be weakened, you won't be able to work nicely, you'll have fever. So this is symptoms of a disease. एक सिम्टम जैसे मान लो कि कोरोना है तो हेडेक, खांसी, इम्यून सिस्टम का लो होना, सांस चढ़ना लीड्स टू कोरोना, सारे सिम्टम्स कोरोना के आ गए। अच्छा अब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर को बोलती हूँ मुझे पेट में दुख रहा है, पैर में दर्द है, खांसी हो रहा है, ठीक है, और हार्ट सही से नहीं चलता, ठीक है, तो डॉक्टर बोलेगा इट इज अ साइन ऑफ मे बी हार्ट अटैक, इट इज अ साइन ऑफ मे बी कोरोना, बाई कोरोना बिकॉज मैंने बोला खांसी हो रखा है, पैर दुख रहा है, एंड इट इज अ साइन दैट तुमको स्टमक इन्फेक्शन भी हो, मतलब व्हेन यू यूज वर्ड साइन ऑल द सिम्टम्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज। Yeah, what can I do of my voice? Tell me. My network, I'm working on, you know, actually Wi-Fi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. So I'm trying to say that signs can be of different diseases, but symptom will lead to only one disease. This is the very basic difference between sign and symptom. Understood? Yes, ma'am. मैम आप फिर से अटक गए। Can you hear me?
No, ma'am, your voice is low. अभी मैं क्या करूं यार, ना वाईफाई पे चल रहा है ना मेरे इंटरनेट पे चल रहा है. मैम अब आ रही है. माही मुझे होस्ट बनाओ तो. यस मैम. सॉरी. या तो सिम्टम्स के नीचे लिखो दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज. लिख लिया ऑनलाइन? यस मैम. यस मैम. चलो अभी साइन के नीचे लिखेशन. मैम आपकी आवाज फिर से कट रही है. हाँ मैम. आपका नेटवर्क भी लो बता रहा है. हेलो मैम. मैम आ रहे हैं अभी. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो साइंस में लिखो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ particular disease. Symptoms are a collective indication of a number of diseases
in a particular part or organ. Part or organ. साइंस में दूसरा, दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिसीजेस. हाँ डिस्टिंक्ट, डी आई एस टी आई एन सी टी. बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पेपर मिला तुमको? स्पेलिंग एरर बहुत थे उसमें. कृष्ण हम क्या करेंगे? ये तो चल नहीं सकता ना, तो क्या करेंगे बेटा? अब से आप जो लर्न करोगे ना वो लिख के करोगे, ठीक है? और अभी देखो जैसे कितने मार्क्स आए आपके 30 में से? हाँ, एक दो तीन चार, कितने आए? तीन मार्क आए ना, मतलब एंटायरली आपका ही कम था. ओके, तो हाँ अभी से मैं वो रूल बताना भी भूल गई आप लोगों को. देखो आपके जो परफॉर्मेंसेस थे ना मुझे सही नहीं लगा सीबीएसई वालों का. सो व्हाट आई हैव डन इज, अभी आप जो एग्जाम दोगे जब भी कभी 30 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, तो अगर आपका 28 मार्क आया तब तक आप कुछ नहीं लिखोगे. जैसे आपका मार्क 27 होता है, मतलब 28 माइनस 27 इज 1, तो पेपर वन टाइम. अब मान लो गलती से 15 आ गया, तो 27 माइनस 15 इज 12, है ना? तो 12 टाइम लिखेंगे वो पेपर. तो जितने कम मार्क्स उतने टाइम पेपर लिख के सबमिट करना, ठीक है? चलो ये डिफरेंस तो हो गया बेटा, दो पॉइंट का ही था. ओह सॉरी, दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिसीजेस. अभी हेडिंग दो, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट नंबर वन, वही जो कोरोना में लिखते थे ना, वही. टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ मैम, टू अवॉइड एक्सपोजर टू To avoid exposure. To avoid exposure of airborne microbes. BORN. Airborne microbes, comma, adopt living condition that are not overcrowded. एयरबॉर्न के बाद बोलो ना. एयरबॉर्न माइक्रोब्स कॉमा एडॉप्ट लिविंग कंडीशन
that are not overcrowded. इसका मतलब पता है क्या हुआ? हम नहीं बोलते कोरोना में बहुत भीड़ हो वहां पे नहीं जानी चाहिए. We should not be going at the places where there is lot of people. So that is what this it means. So you can always write these things in your own sentences also. It's not mandatory. See, ninth में आ जाते हैं ना बच्चे तब खुद की सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाते हैं. You can frame your own sentence and write. Okay? Yeah. Then second point. To prevent exposure to EXPOSURE exposure to बेटा आप ना यहाँ पे आ जाओ. पानी है क्या इधर? हाँ रहने दो रहने दो, पानी में नहीं बैठना. ओके एक्सपोजर टू वॉटर बॉर्न माइक्रोब्स. वहां एयरबॉर्न लिखा था, अभी वॉटर बॉर्न लिख दो. कॉमा सेफ ड्रिंकिंग वॉटर. मैम वॉटर बॉर्न, वॉटर बॉर्न डिसीज बेटा. अरे सॉरी, वॉटर बॉर्न माइक्रोब्स. माइक्रोब्स MICROBES कॉमा सेफ ड्रिंकिंग वॉटर शुड बी प्रोवाइडेड. किसके बाद बच्चा? माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के बाद कॉमा करो, उसके बाद लिखो सेफ ड्रिंकिंग वॉटर शुड बी प्रोवाइडेड. थर्ड पॉइंट, लिख लिया ऑनलाइन? यस मैम. टू अवॉइड, थर्ड पॉइंट, टू अवॉइड वेक्टर बॉर्न इंफेक्शन कॉमा वी कैन प्रोवाइड clean environment and stop mosquito breeding. And stop mosquito breeding. Okay, so I'll just explain you. Basically, in disease से बचना है, तो we are not subjected to go in a crowded area. We should be drinking clean water. Apart from that, mosquito breed करते हैं, जैसे यहाँ पे पानी है. अब दो दिन पानी रहेगा ना अगर ये, तो यहाँ पे mosquito breed करने लगेंगे. हालांकि हम तो जो कल खुलेगा ना institute वहीं साफ हो जाएगा, लेकिन एक बात है. So we should not be having such area around us. ठीक है, आप लोग भी अगर नीचे खड़े रहते हो ना, तो मेक श्योर कि बारिश में कहीं पानी भरा हुआ ना हो, मतलब आप उसके पास ना खड़े हो, क्योंकि मस्कीटो ब्रीड करते हैं ना, तो आपको समझ भी नहीं आएगा. एंड दैट विल लीड टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसीजेस लाइक डेंगू है, मलेरिया है. ठीक है, जनरल बेस हम हाथ बोले, वी आर वेयरिंग द मास्क, सो एवरीथिंग यू कैन राइट इन दिस जनरल बेस में. ठीक है, now comes specific way of prevention. Likho next heading, specific way of prevention.
way of prevention. तो हम स्पेसिफिक वे में क्या करेंगे? स्पेसिफिक वे में जैसे हम वैक्सीनेशन लेते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो ये सारी हमारी जैसे हमने वैक्सीनेशन दिया तो एक डिसीज के आगे हमने इम्यूनिटी एक्सटेंड कर दी हमारी, ठीक है? तो वही चीज अब हमको पढ़ना है। अब इसका वैक्सीनेशन जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और आपकी टेक्स्ट बुक में भी इतना सा वो सेम थिंग इट्स बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट वैक्सीनेशन, वी विल उधर लिख तो जस्ट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट। What is the difference between immunization and vaccination? Tell me. Ma'am, difference. Immunization and vaccination. बेटा क्या डिफरेंस रहता है? मैम इम्यूनाइजेशन में हम थ्रू माउथ सब डाइजेस्ट करके लेते हैं और वैक्सीनेशन में केमिकली सब्सटेंस डाले जाते हैं। ओके, एनीवन ऑफ यू सी हाउ यू इंक्रीज एन इम्यूनिटी, व्हाट हैपेंस? लाइक आप मल्टीविटामिन ले रहे हो या ऐसा कुछ ले रहे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, ठीक है? तो दिस इज इम्यूनाइजेशन, जहां आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम जिसकी वैक्सीन जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट, अरे स्नेक बाइट का कोरोना, नॉट कोरोना, स्मॉल पॉक्स, सॉरी पोलियो, स्मॉल पॉक्स, एनीथिंग। तो उस वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो भी आपका जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, वैसे हालांकि मैं बैक्टीरिया ही बोलूंगी, सो ये वाली जो बैक्टीरिया है That is being inserted in your body when you are normal. Vaccination आप मतलब when you are like dull तब तो नहीं लेते हो ना, normal होके तब लेते हो, ठीक है, healthy होता। अब वो क्या करता है, effect तो वो भी है। तो जब हमने वैक्सीनेशन ली, हमारी जो WBC होती है ना उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल मतलब बी सेल, एक होते हैं टी सेल। सो बी सेल एंड टी सेल जो होता है ना उनकी एक पेटेंट होती है। पेटेंट क्या होती है कि जैसे डिसीज आया, अब पता है घर में उनका वो घर है, अवर बॉडी इज देयर होम, मेरे घर में मेरा दुश्मन आया है तो सीधा जाके मार देंगे, पर वो जब तक मारेंगे ढूंढेंगे मारेंगे, वो पकड़ा पकड़ी चलता है। व्हाइट ब्लड सेल, आगे बैक्टीरिया चल रहा है ब्लड में और पीछे व्हाइट ब्लड सेल चल रहा है, एक्चुअली दिस हैपेंस व्हेन यू सी इन द माइक्रोस्कोप, और फिर वो कैप्चर करता है। So it's like a fighting combat, ठीक है? और उसके बाद battle करने के बाद normally our blood WBC wins और bacteria चला जाता है। अब उसको पता चल गया कि ये bacteria कौन से area में किस हिसाब से गया और उसने क्या असर किया। इसलिए vaccination लेते हैं ना, चाहे corona की भी ले लो, आपको fever वगैरह आता रहेगा, ठीक है? तो अभी ये patent decide हो गया कि ये चीज इस तरीके से असर करेगा। अब दूसरी बार जब वैक्सीन का काम खत्म, अब दूसरी बार जब आप हेल्दी होगे और फिर एंटर होगा, तब ये दोनों खड़े होंगे दो बंदूक लेके, बी सेल एंड टी सेल, मतलब डबल द पावर से अटैक करेंगे, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि हाँ ये ऐसे ही काम करता है। तो क्वेश्चन ये आता है, मेरे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आए ना पता नहीं चल, तो फिर कोरोना तो वायरस है तो फिर उसका वैक्सीनेशन हम क्यों नहीं बना पाए, टाइम क्यों लगा इतना? मैं बताऊं, कोरोना की जो वैक्सीनेशन भी है ना, वो वैक्सीनेशन कोरोना की नहीं दी आपको, मतलब देंगे तभी भी कोरोना की नहीं दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर, ताकि जब भी कोरोना एंटर हो तब आपकी बॉडी इम्यून रहे। ठीक है,
ठीक है, तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, जैसे आप विटामिंस लेते हो और इंक्रीज करते हो, वैसे ये इंजेक्शन लेके इंक्रीज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है उसमें कि जब इंक्रीज होता है ये, तब हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट इज फीवर आता है, सर दुखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझे? सो दिस इज वॉट हैपन्स वेन यू गो फॉर वैक्सीनेशन। और इम्यूनिटी तो ऐसे ही बाहर से ही मतलब इंक्रीज हो जाती है, समझ आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस? पूछा yes, जाता है, इसलिए बोला मैंने, ठीक है? यस मैम। ओके, सो आई गेस हम लोग यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं, वी नॉट गोइंग फर्दर विद द टेक्सचुअल स्टफ, एंड फ्रॉम योर वी टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा, तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। पर नेक्स्ट वीक में दो लेक्चर लगेंगे, क्योंकि इसमें अभी भी हमको टाइप्स ऑफ डिसीजेस पढ़ना है, जैसे पोलियो है, फिर यू हैव टू स्टडी अबाउट मलेरिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ए बी बी वगैरह। जॉन्डिस रहेगा ए में, नहीं आपको दोनों का बाइफर्केशन नहीं है, जॉन्डिस ही पढ़ना है। सो इन शॉर्ट देयर आर मेनी डिसीजेस जिसके बारे में आपको कॉज कि क्यों होता है और इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, वो दो चीज पढ़ना है, ठीक है? तो दो लेक्चर में ऑलमोस्ट वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। अच्छा, अपने अंदर पैकिंग कर लिया, मैंने पैकिंग करने का नहीं बोला था, इतना बता दो, मैंने जो चैप्टर्स लिखवाए हैं ना, अभी उसमें कितने चैप्टर्स हमारे बाकी हैं?